नमस्कार दोस्तों, मैं जॉब वाला भैया आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जिसे आपको आपके ज्वाइनिंग में भारत सरकार के लिए, अगर आप कोई नौकरी करने 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 जा रहे हैं, मतलब कि अगर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और आप OBC अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप देखें ज़रूर इसको। जैसे कि आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो आपको ये लेटर लेके जाना होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये OBC का फॉर्मेट है ये, जो आपको लेके जाना होता है और ज्वाइनिंग के समय ये दिखाना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भरने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन एक मेरे फ्रेंड को एक दिक्कत आई और मैंने सोचा कि ये दिक्कत सही में कॉमनली सब किसी को यही दिक्कत आ सकती है अगर आनी होगी। तो इसमें एक बॉक्स है इम्पॉर्मेंट रेजोल्यूशन नंबर और डेट उसमें डालना होता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो बिल्कुल गलत कर लेते हैं और उस पर ओके करा के जब जाते हैं वहाँ ज्वाइनिंग में, तो काफ़ी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसको दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं भारत सरकार की किसी नौकरी में और OBC कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल ज़रूर देखें और ये गलती ना करें, क्योंकि आपको भविष्य में ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो जाना है अपना, मान के चलिए मैंने एक ब्राउज़र खोला हुआ है, ब्राउज़र में जाएंगे और हम www.ncbc.nic.in पे जाके लॉग ऑन करेंगे। उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी, तो हमें करना क्या है मैं बताता हूँ, अभी खुलने दीजिए वेबसाइट। वेबसाइट खुलने के बाद कुछ ऐसा GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मतलब कि ऐसा स्क्रीन पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा होगा। तो उसमें आप करना क्या है, लेफ्ट साइड में जो आपको ये बहुत सारे जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, यहाँ पे इसको क्लिक कर दें और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा दोस्त बिहार का था और वो मतलब बिहार का था, तो उसने बिहार, मैंने बताया कि तुम यहाँ पर क्लिक करो, चार नंबर ऑप्शन है जो बिहार का था, मैंने गलती से 5 नंबर दबा दिया, कोई बात नहीं, फिर से दबाता हूँ। 4 नंबर क्लिक करने के बाद, अगर वो किसी भी जाति से हैं आप, तो मैं एक ऑप्शन के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान के चलिए कोई भी एक जाति को ले लेते हैं, 78 नंबर, मान के चलिए बारी, बारी जाति लिखा हुआ है। तो जो इम्पॉइंटमेंट नंबर था वहाँ पे आपको यहाँ पे जो बारी के बगल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12011/68/93-BCC कोस्ट में सी लिखा हुआ ये लिखना होता है। और डेटेड में जो है आपको बस यहाँ पे जो 10/9/1993 लिखा हुआ ये तारीख देनी होती है, और इसके बाद आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो आपको बस यही करना होता है, आप उससे देख के घबराएं बिल्कुल नहीं, आप डालें और अपना सही सही सर्टिफिकेट बनवा लें और तब जाके ज्वाइनिंग में जाएं, ताकि आपको भविष्य में ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।